विकास वैभव लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी हाँ, और अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी उनकी पहली पसंद होगी। और लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वो सीट बेगूसराय हो सकता है। जी हाँ, भूमिहारों का गढ़ कहे जाने वाले बेगूसराय से लोकसभा चुनाव में क्या किस्मत आजमाना चाह रहे हैं चर्चित आईपीएस विकास वैभव, ये खबर आप पूरी तरह सुनिएगा, तब आप समझ पाइएगा कि दरअसल ये बात हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल नवभारत टाइम्स में एक बड़ी खबर छपी है, जिस खबर के मुताबिक बिहार के आईजी रैंक के अफसर आईपीएस विकास वैभव अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ट्वीट के जरिए डीजी शोभा अहोतकर पर उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया। उससे पहले अपनी तकलीफ राज्य सरकार तक पहुंचाने की भी उन्होंने कोशिश की थी। सरकार की ओर से चुप्पी साध लेने के कारण उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। यह बात सीएम नीतीश कुमार को नागवार लगी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी अफसर को सोशल मीडिया पर विभागीय परेशानी शेयर करना कानूनन उचित नहीं है। इसके बाद वैभव ने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन विरोध स्वरूप उन्होंने 2 महीने की छुट्टी का आवेदन दे दिया। हालांकि सरकार ने उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की। भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि विकास वैभव 2 दशक की नौकरी में ही उब चुके हैं। उन्होंने नौकरी को तिलांजलि देने की सोची है। उनका अगला कदम राजनीति की छोर तलाशने की है। शायद इसी वजह से वे अपने एनजीओ के जरिए सामाजिक कार्यों में जमीन पुख्ता करने का प्रयास पहले से ही करते आए हैं। और ये खबर जो है वो नवभारत टाइम्स में छपा है, जिसके बाद पूरे बिहार में खलबली मची हुई है। जी हाँ, आगे की कहानी आपको अब हम बताते हैं। विकास वैभव ने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन उनके फेसबुक वॉल पर आज भी उनका दार्शनिक अंदाज में किया गया पोस्ट इस बात की गवाही देता है कि नौकरी से वे अब उब चुके हैं। उन्होंने लिखा है, यात्री मन व्याकुल है, बंधनों से मुक्त होना चाहता है, परिस्थितियां अवरोध उत्पन्न करती प्रतीत भले हो रही हैं, लेकिन यात्री मन यह भी जानता है कि यात्री मन को कोई बांध नहीं सकता। जो निर्धारित है वह स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करेगा। शेष सब माया ही है, परंतु कर्म महत्वपूर्ण है। यात्री मन बंधनों से मुक्त होना चाहता है, कहने का सीधा अर्थ तो यही निकलता है कि अब वे पुलिस सेवा की नौकरी से आजाद होना चाहते हैं। अगली पंक्ति उन्होंने डिटर्मिनेशन को इंगित करती है, यात्री मन को कोई बांध नहीं सकता। यानी ट्वीट पीड़ा या अपमान तो वैभव का बहाना मात्र है, वे तो तय कर चुके हैं कि उन्हें करना क्या है। विकास वैभव की राजनीति में रुचि बढ़ने लगी है, इसकी जमीनी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। वे अपने एनजीओ के माध्यम से समाज के विभिन्न तबकों के लोगों को सम्मानित प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग समय पर आयोजन करते रहते हैं। डीजी शोभा अहोतकर को शायद उनके इस काम से आपत्ति है। मूल काम से इतर सामाजिक कार्यों में वैभव की रुचि को वह पसंद नहीं करती। अनबन की वजह संभवतः यह हो सकती है। बहरहाल अपनी पीड़ा को जिस तरह से वैभव ने इजहार किया है, उससे उनको उम्मीद थी कि इससे वो चर्चा के केंद्र में तो आ ही जाएंगे, सरकार की सहानुभूति भी मिलेगी। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। सीएम नीतीश कुमार को उनका यह तरीका पसंद नहीं आया। सरकार की सहानुभूति बटोरने के चक्कर के बावजूद उन्हें वो सफलता नहीं मिली। अब ऐसे में जो रिपोर्ट नवभारत टाइम्स में छपी है, उसके मुताबिक विकास वैभव लोकसभा की चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी पार्टी होगी जो उन्हें टिकट देगी। जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार विकास वैभव की पहली पसंद भाजपा है। हालांकि बीजेपी का कोई नेता इस बात की पुष्टि करने के लिए अभी तैयार नहीं है। दरअसल विकास वैभव को अगला लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो उन्हें अपने इस्तीफे की प्रक्रिया अभी से शुरू करनी होगी। सूत्र का तो यहाँ तक दावा है कि वह बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेगूसराय से निर्वाचित और अभी केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह के बारे में सूचना है कि उनकी उम्र 70 से आगे बढ़ गई है। जिस तरह गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवारों को बदला और उसका सकारात्मक परिणाम मिला, उसी पैटर्न पर बिहार में भी बीजेपी कुछ की टिकट काटेगी। और ऐसा अगर होता है तो विकास वैभव की जो राह है वो आसान हो जाएगी।